जीवन मंत्रा के ज्योतिषीय सेगमेंट में आज हम बताने जा रहे हैं, अगर घर में वास्तु से जुड़े दोष होते हैं तो परिवार को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, किसी भी काम में आसानी से सफलता नहीं मिलती है। तो आज हम आपको बता रहे हैं घर के वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय। पहला उपाय देख लीजिए, अगर घर में कोई वास्तु दोष है तो छत पर गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इस उपाय से घर में कई वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। शाम को तुलसी के पास दीपक जलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिल सकती है। दूसरा उपाय देख लीजिए, घर के आंगन में या छत पर तुलसी को रोज सुबह शाम जल चढ़ाएं। शाम को तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र देख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। तीसरा उपाय देख लीजिए, घर के मुख्य द्वार पर अंदर और बाहर की ओर गणेश जी की दो मूर्तियां लगाएं। ये मूर्तियां इस प्रकार लगाएं कि गणेश जी की पीठ पर एक दूसरे से जुड़ी रहें। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती है। चौथा उपाय देख लीजिए, घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति या फोटो नहीं लगानी चाहिए। गणेश जी की 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या में एक से ज्यादा प्रतिमा या मूर्ति लगा सकते हैं, इसे घर में शांति बनी रहती है। पांचवा उपाय देखिए, घर में किसी भी बेकार सामान, टूटे फूटे बर्तन, फर्नीचर, कचरा आदि को नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से वास्तु दोष बढ़ जाते हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं। जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।